सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का, जो अपना बोटनी का पेपर नंबर थर्ड है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट दो साल से अपन पेपर बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, उन्हीं के अंदर से आपके जो आपकी एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस बार भी वही उम्मीद करते हैं कि अपन जो क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, ये इस बार आपकी जो होने वाली एग्जाम है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, 100% आपको इनके ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। देखिए, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यदि आप लोग ये क्वेश्चन देख लोगे तो आप पास होने के आपके चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि देखिए, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से क्या हुआ, आप जब इन क्वेश्चन को टेरिडोफाइटा को पढ़ लोगे, तो टेरिडोफाइटा के अंदर से कोई छोटा क्वेश्चन आ गया तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इन चीजों को पढ़ोगे ना, इन क्वेश्चन को, तो इनके अंदर से छोट नोट जाएंगे ना, उनको आप इजिली कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी मतलब सब कुछ पढ़ लिया है, उनका मतलब सिलेबस कवर हो गया है कि भाई अब अपन एग्जाम के लिए तैयार है, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट ही हो जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा ना, भाई सर ने भी ये क्वेश्चन बताया, इसका मतलब मैंने भी ये क्वेश्चन टिक कर रखा था, सर ने भी बताया, मतलब क्रॉस चेक हो गया कि ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो उनके भी क्या होंगे, मार्क्स बूस्ट होने के अंदर उनको भी क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। साथ में मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो आपको एक रिमाइंड मिल जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, सर ने बताया, तो आई थिंक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो अब अपन मेन अपने पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपके कौन से आ सकते हैं बीएससी सेकंड ईयर में, बोटनी का अपना थर्ड नंबर का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, आप सबको पता है आपकी बोटनी में चार यूनिट है, हर यूनिट में से अपन बड़ा क्वेश्चन भी देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को अच्छे से पढ़ना है आपको डिटेल के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है एपोस्पोरी क्या होता है एंड एपोगेमी क्या होता है, इसको भी आपको डिटेल के अंदर इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड स्पोरेंजिया के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है ये आपको डिटेल के अंदर बताना है। साथ में टेरिडोफाइट्स के क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, उन इंपोर्टेंस को आपको डिटेल के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर बताना है। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म का, वो आपको डिटेल के अंदर बताना है। किस किस का? देखिए, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इनका क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्लासिफिकेशन एंड इसके जो करेक्टर्स है, दोनों के अंदर से एक आपको हर साल दोनों में से एक ना एक रिपीट होता रहता है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट में यदि अपन बात करें तो सिलेंजिला के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, साथ में जो इक्विसिटम है इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आपको डेवलपमेंट बताना है मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट इन पाइनस। पाइनस के अंदर जो मेल एंड फीमेल है, इसके अंदर से फीमेल गेमेटोफाइट को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल के अंदर देख लीजिएगा। फिर शॉर्ट नोट की बात करें तो आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताने हैं किसके, जिम्नोस्पर्म के, एंड साइकस एंड इफिड्रा के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना होगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ जाएगा आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड प्रोसेस बता दिया आपको फॉस्फोराइजेशन की। ये क्वेश्चन वेरी वेरी फॉसिलाइजेशन के आपको प्रोसेस बतानी है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार मान लीजिए। ओके, फिर अपन शॉर्ट नोट की बात करें तो शॉर्ट नोट में अपन बात करें तो रेक्नोस्ट्रक्चर की जो आपको शॉर्ट नोट है उसके ऊपर ये लिखना है, ये क्या है आपका टेरिडोफाइट है, क्या है ये आपका क्या है, फॉसिल टेरिडोफाइट है। फिर आ जाता है लेपिडोंड्रियन के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, एंड आपको जो फॉसिल्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इनके मतलब वीडियो लेक्चर है वो कोशिश करेंगे आपको जो YouTube चैनल है इसी YouTube चैनल पे आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। आगे अपन अपने बोटनी के कंप्लीट हो गए, जूलॉजी के कंप्लीट हो गए, अब अपन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।